हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो पहले चैनल पर आकर आप वीडियो देखिए। वीडियो आपको एक से एक वीडियो मिलेगी, इंडिकेटर स्ट्रेटजी मिलेगी, ऑप्शन चैन आपको मिलेगी देखने को, और आप इन द मनी आउट द मनी पे काम कैसे करते हो वो भी आपको मिलेगा, थीटा डेल्टा कैसे वर्क करता है वो भी आपको मिलेगा, और इंडिकेटर भी आपको काफ़ी अमेजिंग मिलेंगे देख सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी 98%, 95%, 99% आपके सामने है देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच जाए। चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। हम आ गए ट्रेडिंग व्यू में। सिंपल है कि मेल आई डी क्रिएट करना, हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को आपके लिए लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर काफ़ी अमेजिंग इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो आपके सामने। जितना चाहे आप इसका उतना बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आप इस पर रियल ट्रेड करिए, जितना चाहे आप उतना इस पर बैक टेस्ट कर सकते हो। देख सकते हो महीने, दो महीने, तीन महीने का इस पर बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं हम बाय सेल की और एंट्री एग्जिट की। तो यहाँ पे देखिए, मैं चलिए पहले आपको सेटअप समझाता हूँ। बाय सेल के भी आपको सिग्नल में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिलना है, कहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला। इंडिकेटर मैंने रिमूव किए हैं, इंडिकेटर के सेक्शन में आपको चलना है और यहाँ पे सर्च करना EMA। EMA आपको क्या लिखना, EMA विथ MA क्रॉसओवर। आपको ये इंडिकेटर दिख रहा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से इसको कट करेंगे, ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार अप्लाई होकर आएगा। अब आपको इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग के आइकन पर चलेंगे। इसके ये जो लेंथ है इनको हम 10-10 रहने देंगे, बस स्टाइल में चलना है। आपको क्या करना है, ये जो MA है इसको हम ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे, MA की ग्रीन में लाइन को कन्वर्ट करेंगे, थिकनेस इंक्रीज करेंगे, और EMA को हम रेड में कन्वर्ट करेंगे, इसकी थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे, ओके करेंगे, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। चाहे तो आप इसके बार कलर को अनचेक कर सकते हो, डिफॉल्ट भी रख सकते हो, मैं इसको अनचेक करता हूँ। इसके लेवल और वॉल्यूम को भी अनचेक करना है, ओके करेंगे। यहाँ पे ये सेटिंग हो चुके हैं। सेकेंड इंडिकेटर की बारी है, तो इंडिकेटर के सेक्शन में चलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है UT बोट अलर्ट। आपको ये इंडिकेटर दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ से इसको कट करिए। अब इसकी सेटिंग में चलेंगे हम, UT बोट की सेटिंग में चलेंगे। अब आपको क्या करना है, बार कलर इसका चेक कर सकते हो, बाय सेल के इसके लेवल रखेंगे। इनपुट में आपको चलना है, इनपुट में जो इसकी की वैल्यू ये 1 है, इसको आपको 2 करना है, इसे 2 करेंगे, और ये जो 10 है इसको आप 7 में रिप्लेसमेंट करोगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए सेटअप अब आपके सामने है, देख सकते हो कितने बैक सिग्नल आपको मिल रहे हैं, परफेक्ट ट्रेड आपको मिलेगी आपके सामने है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आपको सामने सेटअप लगाया है, सेटअप आप बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ही आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। चलिए गाइस हम बात करते हैं बायो सेल के, आपको कहाँ पर बाय करना है। यहाँ पर देखिए बाय का आपको सिग्नल मिला, क्रॉस ओवर यहाँ पर मिला, स्कैंडल पर बाय का सिग्नल स्कैंडल पर मिला। इसकी क्लोजिंग का आपको पूरा वेट करना है, इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाय करना है, यानी कि इस कैंडल पे आपको बाय करना है। कैंडल पे आपने बाय किया तो अब आप क्या करोगे, SL की बारी है। SL कहाँ पे रखेंगे, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हो रहा है, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हो रहा है उस पर आप SL रखिए। SL आप यहाँ पे रखेंगे, SL आपने यहाँ पे रखा है, उसके बाद आप चलिए पॉइंट आपको लेना है। इसमें आपको 1:2 या 1:3 का टारगेट रखना है। अब टारगेट आप कहाँ से सेट करोगे, चलिए टारगेट भी मैं आपको बता दूँ। आपको अगर हमें कॉल के लिए पोजीशन लेनी है तो लॉन्ग पोजीशन लेंगे, अगर शॉर्ट के लिए यानी कि अगर हम पुट के लिए पोजीशन बनाएंगे तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। हमने कॉल में एंट्री लिया तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अब आपकी जो बाय प्राइस है वो यहाँ पे है, तो 1:2 का आपको टारगेट रखना है, यानी कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 40 पॉइंट का, यानी कि 40 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। और इसे आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हो। SL आपका कितना होगा, SL होगा आपका 20 पॉइंट का, SL होगा आपका 20 पॉइंट का, आपका SL होगा, SL रखेंगे हम 20 पॉइंट पे। ये देखिए सेटअप आपके सामने रेडी है। यहाँ पे देखिए इसे, इसकी चाहे तो हम थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, इनकी थिकनेस आप इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको सफा चमके, और इसके रेड वाले की भी थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे आपको जो क्लियर चमके। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये टारगेट है 1:2 का,
1:2 का टारगेट है, 20 पॉइंट का हमारा एसएल है और 40 पॉइंट का आपका टारगेट है। 20 में से आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और 40 पॉइंट में से आपका 20 पॉइंट टारगेट हुआ। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपका 10 पॉइंट यानी कि लॉस में होगा, 10 पॉइंट आप लॉस में होगे। अगर आपका टारगेट हिट होगा तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। देख सकते हो छोटा एसएल बड़ा टारगेट, काफी अमेजिंग है। इससे आपका जो लॉस है वो लिमिट में रहेगा, प्रॉफिट अनलिमिट भी हो सकता है, एसएल को ट्रिल भी करके आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड सक्सेसफुल होगी, आपको वेट करना, उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट ट्रेड आपको कहाँ पे बनानी है। नेक्स्ट ट्रेड भी बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए बाय का आपको सिग्नल मिल रहा है, बाय का आपको सिग्नल मिल रहा है, कॉल पोजिशन है, इस पर क्रॉस ओवर हो रहा है, इसी कैंडल पे आपको बाय का सिग्नल मिला। क्लोजिंग का पूरा इंतजार करना है, मैंने आपको बता भी रखा है और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जिस कैंडल पे आपको बाय का सिग्नल मिले उस कैंडल पे आपको क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग का अगर आप वेट करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, क्योंकि बाजी टाइम फिक्स सिग्नल भी होता है। इस पे आपको सिग्नल मिला, इससे नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो आपको एसएल रखना है। फिर से आपको वही लेना है क्या, 1:2 का आपको टारगेट लेना है, 1:2 का आपको टारगेट लेना है। तो हम चलेंगे अपने लॉन्ग पोजिशन में, लॉन्ग पोजिशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका बाय प्राइस है। अब यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट लिया, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 40 पॉइंट का होगा, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका कितना होगा, टारगेट होगा आपका 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट या 80 पॉइंट आप ले सकते हो, और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। और ये देखिए 100 पॉइंट का आपका टारगेट, ये आपका क्या होगा, टारगेट होगा। यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव होगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इससे और भी ऊपर जाएगी तो आप अब एक काम कर सकते हो, एसएल को ट्रेल करते चलिए। एसएल को ट्रेल आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपका बाय प्राइस है, यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट होगा। अगर इसके ऊपर ये कैंडल गई है, ये तेजी से गई है, तो अब आप क्या करोगे, एसएल इसके लो पे रखेंगे, एसएल इसके लो पे रखेंगे, टारगेट आपका यहाँ से ऊपर अचीव होगा। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। टोटल कितने वे पॉइंट मिले, अब आपको मेजर लेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कितने पॉइंट आपको मिले हैं। टोटल ये देखें, टोटल पॉइंट आपको मिले हैं 244, काफ़ी अमेजिंग है, 244 कम नहीं है। ये ड्राइंग मैं रिमूव करता हूँ, ये देखिए ड्राइंग रिमूव हो गई है। अब और देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है, कहाँ पे मिला आपको सेल का सिग्नल, सेल का सिग्नल आपको यहाँ पे मिला है। ये होती है हमारी पुट पोजीशन के लिए, इस कैंडल पे आपको सिग्नल मिला, क्रॉस ओवर इस कैंडल पे हो रहा, तो इससे अगली कैंडल पे आप यानी कि इस कैंडल पे बाय करोगे। फिर से आपको वही लेना है, 1:2 1:3 का टारगेट आप ले सकते हो। पुट पोजीशन के लिए हम शॉर्ट पोजीशन उठाएंगे, सॉरी शॉर्ट पोजीशन उठाएंगे और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब आपका जो स्टॉप लॉस है आप 40 पॉइंट का रखिए, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपका 100 पॉइंट का। ये देखिए ये अचीव होता है आपका टारगेट, आपका टारगेट अचीव हो गया, एग्जिट करिए बिल्कुल, आपको वेट नहीं करना। उसके बाद फिर से देख सकते हो कॉल पोजीशन के लिए बाय का आपको सिग्नल मिला, ये ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, बाय का आपको सिग्नल मिला है, क्रॉस ओवर हो रहा है, इससे अगली कैंडल पर आप बाय करिए। इस कैंडल पर आपको बाय करना है, एसएल यहाँ पे रखिए और टारगेट आपका 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, आपका जितना पॉइंट है, 1:2 1:3 आप इस्तेमाल करिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, टारगेट लीजिए 1:2 या 1:3 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, बाय प्राइस यहाँ पे है, एसएल आपका यहाँ पे है, एसएल कितने पॉइंट का आपका, ये देखिए एसएल आपका है 23 पॉइंट का, 23 पॉइंट का आपका एसएल है। और टारगेट ये देखिए आपका 80 पॉइंट का आपका टारगेट है, ये देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है, 23 पॉइंट का आपका एसएल है और 80 पॉइंट आपको अचीव हुए। देख सकते हो हर ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होगी अगर आप ट्रेड एकदम संभल के लोगे। 3 बजे के बाद कभी भी आपको प्रीमियम नज़र नहीं आएगी, 3 बजे के बाद हमेशा इन द मनी और आउट द मनी पे काम करिए। वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ड्राइंग को रिमूव करते हैं, सेटअप आपके सामने मैंने यूज़ करके आपको दिखा दिया कि कैसे यूज़ होगा, आपकी जो बाय प्राइस थी वो यहाँ पे और एसएल यहाँ पे। ये देखिए हर एक टारगेट ट्रेड इसकी सक्सेसफुल होगी, बस आपको ध्यान से इसमें ट्रेड करनी है। अगर आप ध्यान से ट्रेड करोगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेड आप कर सकते हो, वरना आप लॉस में ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करोगे अगर बिना सेटअप को समझे और बिना सेटअप को देखे आप ट्रेड करोगे। फिर आप चैनल पे आके कमेंट करोगे कि ये सेटअप फेक सिग्नल प्रोवाइड करता है, फेक सिग्नल हमेशा सेटअप प्रोवाइड नहीं करता, फेक सिग्नल आप अपने माइंड से लेते हो। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल, लेकिन आप ग्रीन ग्रीन कैंडल देखोगे आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ और आपका एसएल ये रहेगा। तो ये देखिए उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्मेशन मिला, अब ये कैंडल आपको यहाँ से बैक मार, तो आपको लगेगा कि कैंडल और भी नीचे जा सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हो कि मेरा इतना लॉस हो चुका है।
आप सोचोगे कितना लॉस हो चुका है मेरा, तो अब आप एग्जिट करोगे। तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन देखना है कि अब आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल होगी। अब आप क्या करोगे, इनको देखोगे, फिर यहाँ सोचोगे। तो आप एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं ले सकते। कंफर्मेशन यही है, आपके क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला। इस कैंडल की क्लोजिंग का आपको पूरा वेट करना है। इस कैंडल पे आप बाय करिए और उसके बाद ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। छोटा एसएल बड़ा टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हो। देख सकते हो आपके सामने है सेटअप भी। चलिए मेजर से मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट आपको मिले। मेजर लोगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देखिए आप, आपको 230 पॉइंट मिले। काफ़ी अमेजिंग है, 230 कम नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग लेकर आएंगे आपके लिए।